ओके ऑल राइट गाइस, सो वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ एचडी आर्ट। सो आज के एपिसोड में हम करने वाले क्रेजी वाला डीआईवाई और बहुत ही मजा आएगा आपको ये डीआईवाई वीडियो देख के। और जो आज का आर्टवर्क है वो भी एकदम क्रेजी है, थंबनेल लेके तो पता चल ही गया होगा क्या आर्टवर्क है। तभी भी आपको बता दो, आज का आर्टवर्क तो ये रहा, ड्रैगन बॉल जी का कैरेक्टर है ये वेजिटा, इसकी मैंने पेंटिंग बनाई है आज। सो ये जो कैरेक्टर है ये सुपर सेन वाला वर्जन है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये जो आर्टवर्क बनाया गया है वुडन प्लाई के ऊपर बनाया गया और यहाँ पे पतली पतली स्ट्रिप्स आपको नजर आ रही है वुडन की, उसे जॉइंट करके ये आर्टवर्क बनाया गया। लंबी स्टिक थी वुडन की, उसे मैंने ब्रेक किया, फिर कुछ ऐसा शेप आता है ब्रेक करने के बाद। अगर आप पैर से वुडन स्ट्रिप को लीजिए, ऐसा स्ट्रेट रखिए वुडन स्ट्रिप को और पैर से ब्रेक करोगे ना तो कुछ ऐसा ऊपर नीचे वाला शेप आता है, तो मुझे कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट चाहिए था तो इसके लिए मैंने ये आर्टवर्क बनाया है। सो ये आर्टवर्क मैंने कैसे बनाया, क्या क्या मटेरियल्स लगे इस आर्टवर्क को बनाने के लिए, वो सब आपको मिलेगा डेक्स वाले एंगल पे। तो जाते हैं डेक्स वाले एंगल पे और देखते हैं कि ये आर्टवर्क कैसे बना है। ओके ऑल राइट गाइस, सो अभी अपना आर्टवर्क शुरू करते। तो यहाँ पे मेरे पास ये सब लकड़ी के पीसेस, मैंने सब कुछ ब्रेक कर दिया अपने पैर से, मतलब कि पैर से एक एक स्ट्रिप को तोड़ा है, तो इसके लिए ऐसा कुछ शेप आपको नज़र आ रहा है। सो और मैं यूज़ करूँगा ये फेमिकॉल, क्योंकि हमें लकड़ियाँ अच्छे से चिपकानी, तो SH का फेमिकॉल यूज़ कीजिए, वो अच्छा रहेगा स्टिक करने के लिए। ओके ऑल राइट, सो ये जो लकड़ियाँ है उसे हम अच्छे से अरेंज करेंगे। तो मैं स्टार्टिंग में छोटी लकड़ी रख रहा हूँ, फिर बड़ी, ऐसे डिज़ाइन करते करते पूरा हम लकड़ी को पहले अरेंज कर लेते अच्छी तरह से। ओके सो यहाँ पे लकड़ियाँ मैंने अच्छी तरह से अरेंज कर ली है, अभी इसे हमें चिपकाना है फेमिकॉल से। सो मैं यूज़ करूँगा फेमिकॉल इसे स्टिक करने के लिए। तो यहाँ पे है मेरे पास ये फेमिकॉल की बॉटल और SH, मैं स्टार्टिंग में SH का गम यूज़ कीजिए, वो लकड़ी के लिए अच्छा रहता है और छोटे मोटे गम रहते हैं वो पेपर और सब के लिए चिपकाने के लिए रहते थे, लकड़ी का अलग गम रहता है तो इसे लाइन से चिपकाते हैं। ओके ऑल राइट, सो यहाँ पे मैंने पूरा अपना जो जगह है वो क्लियर कर दिया है, क्योंकि अभी स्टिकिंग वाला प्रोसेस करना है। स्टिकिंग वाले प्रोसेस के लिए ना लकड़ी को जब आप स्टिक करोगे तो प्रेशर लगता है, ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई करने के लिए मैं ये जो अपना डेक्स है उसे यूज़ करूँगा। मतलब कि यहाँ पे मैं ऐसे रो वाइज लकड़ी लगाऊँगा गम को स्टिक करके, फिर इसको ऐसा पुश करूँगा तो दोनों तरफ ये दीवार से भी प्रेशर आएगा, लकड़ी से भी प्रेशर रहेगा, ये मतलब लकड़ी नहीं ये टेबल से, तो दोनों तरफ से प्रेशर रहेगा तो चिपक जाएगी लकड़ियाँ। सो अभी जो प्रोसेस है वो चालू करते हैं। ओके सो यहाँ पे मैंने लकड़ियाँ रख दी है। ओके फिर अभी ये वाली लकड़ियाँ ये कुछ ऐसे जाएगी, फिर ये ओके गाइस, ऑलमोस्ट करीबन 1 2 3 4 5 6 पीसेस लगा के हो चुके, और 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 5-6 बाकी है, मतलब कि हो रहा है, टाइम थोड़ा लग रहा है बट काम हो रहा है और इससे काम अच्छे से हो रहा है। मतलब हाथ यूज़ मत कीजिए, हाथ से क्या हो जाएगा, हाथ खराब हो जाएगा, उससे बेस्ट है कि ये ब्रशेस यूज़ कीजिए, आपके जो भी पुराने ब्रशेस है वो यूज़ कीजिए, क्योंकि एक बार ये गम लग गया ब्रश पे तो फिर ये ब्रश की हालत ख़राब हो जाएगी, इसके लिए ख़राब ब्रश यूज़ कीजिए। सो यार काम चालू है, काम करते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे हो चुका है पूरा काम कंप्लीट। सो ये कुछ अभी ऐसा लग रहा है पूरा, अभी इस चीज़ को यहाँ पे पुश करके थोड़ा प्रेशर लाते हैं और उसको 12 या 10 घंटे छोड़ देते हैं। ओके सो ये यहाँ पर है, धीरे धीरे पुश करते हैं। ओके ओके सो प्रेशर आ चुका है, देखिए ग्लू निकल रहा है, जूम करके बताता हूँ, दिख रहा है ग्लू निकल रहा है। सो अभी इसे छोड़ देता हूँ सूखने तक, फिर आगे का प्रोसेस हम चालू करेंगे। ओके ऑल राइट, सो अपना जो बेस है वो सूख के रेडी हो चुका और एकदम कड़क हो गया, मतलब कि इतना कड़क हो गया कि ये टूटेगा नहीं, फेमिकॉल का जोड़ है। सो ये अपना बेस हो चुका है रेडी, इसे करीबन 12-10 घंटे लगे सूखने के लिए और अभी अच्छे तरह से सूख चुका है। यहाँ पे गम के पैचेस थोड़े नज़र आ रहे हैं बट वो अपन बेस कोट कर लेंगे ना वाइट वाला, तो पैचेस जो है वो निकल जाएंगे, मतलब दिखेंगे नहीं वो पैचेस। सो अभी हम क्या करते हैं कि वाइट कलर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास पहले ब्रश
सो मैं यूज़ करूँगा ये फैट ब्रश और फिर हम यूज़ करेंगे वाइट कलर और अपना जो बेस कोट है वो करते हैं। तो दो बेस कोट लगेगा करने के लिए क्योंकि एक बेस कोट में इतना नहीं होगा, सो दो तीन बेस कोट लगेगा ऑलमोस्ट करने के लिए। सो अपना जो कलरिंग वाला प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। ओके ऑलराइट, सो अपना बेस कोट हो चुका है कंप्लीट और बेस कोट के साथ मैंने आउटलाइन प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया है। सो यहाँ पे है मेरे पास ये वेजिटा का आउटलाइन प्रोसेस, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है पूरा आउटलाइन। और ये जो वेजिटा है ये थोड़ा मस्क्यूलर है, थोड़ा एग्रेसिव बनाया है। सो या चेक। ओके ऑलराइट, सो यहाँ पे है मेरे पास ये मास्किंग टेप। तो मास्किंग टेप के हेल्प से हम पूरा आउटलाइंस जो है वो कवर कर लेंगे क्योंकि अभी जब हम बैकग्राउंड पेंट करेंगे तो थोड़ा भी कलर ना वेजिटा जो अपना आउटलाइन है उसमें आना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं पूरा आउटलाइन कवर कर लेता हूँ। सो अपना जो टेपिंग वाला प्रोसेस है वो हो चुका है कंप्लीट, मतलब कि आउटलाइंस तो अभी ढक लिए, अभी मेन मुझे फेस बॉडी पूरा कवर करना है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये मेरे पास थोड़े बहुत से पेपर्स पड़े हुए, सो इसके हेल्प से मैं पूरा अपना जो आउटलाइन है वेजिटा है उसे कवर कर लेंगे, मतलब एक भी धब्बा ना बैकग्राउंड का कलर इस पर आना नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं ना पूरा पेपर से कवर कर लेता हूँ इसे। ओके सो यहाँ पे कवर हो चुका है, मतलब कि अभी वेजिटा के अंदर कुछ भी कलर जा नहीं सकता है। तो अभी हम अपना जो बैकग्राउंड है वो पेंट करेंगे। सो बैकग्राउंड पेंट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा स्काई ब्लू कलर और फिर उसके बाद ना स्काई ब्लू कलर करने के बाद हम ना पेंट को ऐसा उड़ाएंगे, मतलब कि अलग अलग कलर लेंगे और ऐसे छिड़केंगे बैकग्राउंड के ऊपर। सो एक इफेक्ट आएगा वो मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। सो यहाँ पे बेस कोट हो चुका है कंप्लीट। सो अभी मैं न्यूज़पेपर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर को क्रश करूँगा, फिर इसे ओपन करेंगे तो अलग अलग लाइंस आते हैं। सो लाइंस आ गए अलग अलग एकदम। सो उसे मैं क्या करता हूँ कि इस पर चिपका देता हूँ, मतलब सब कुछ साइड कर लेते। ओके सो ऐसे ऐसे मैं करूँगा ऐसे। ओके सो इसी क्या हो जाएगा ना, कलर मिक्स हो जाएगा और थोड़ा अट्रैक्टिव और थोड़ा अलग लगेगा अपना बैकग्राउंड। सो अभी क्या करेंगे कि ये सब जो कलर है ना उसे ऐसे स्प्रेड करेंगे, मतलब ऐसे छिड़केंगे हम। सो मैं यूज़ करूँगा थंब और थंब के साइड वाली उंगली, उसकी हेल्प से हम ऐसे छिड़केंगे। सबसे पहले साइड वाला जो कलर है ब्लू कलर वो कर लेते हैं। ऑलराइट, सो बैकग्राउंड वाला प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट, मतलब कि बैकग्राउंड मतलब बेस प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो इसे अभी हम सूखने देते हैं अच्छी तरह से ज़रा एक घंटा और फिर उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करेंगे। तो सूख के रेडी हो चुका है। सो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको मैं स्प्रेड कर रहा हूँ, मुझे ना स्लो करने का था बट टाइम लैप्स मोड ऑन था तो इसके लिए फास्ट रह गया, बट जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता दिया हूँ। तो यहाँ पे अपना जो बैकग्राउंड है वो रेडी हो चुका है, मतलब कि पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, सूख चुका है। और बैकग्राउंड चेक कीजिएगा इस, कितना कूल लग रहा है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सो यहाँ पे तो हो गया अपना बैकग्राउंड। सो अभी हम क्या करेंगे, जो ये टेप्स लगाए पेपर लगाए उसे निकालते हैं और अपना वेजिटा देखते हैं कि कितना क्लीन है और कितने अच्छी तरह से, मतलब आउटलाइन प्रोसेस जो होता है ना टेपिंग वाला वो कितना अच्छी तरह से हुआ है। सो ये चेक कीजिएगा इस, सो अच्छी तरह से, मतलब कि बोलते ना कि कलर अंदर गया ही नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत गया रहेगा बट ऑलमोस्ट तो 99% एकदम अच्छे से हुआ अपना काम। सो ये हो चुका है रेडी। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी हमें करना है कलरिंग प्रोसेस। ओके ऑलराइट, सो बैकग्राउंड तो हो चुका है पेंट, तो अभी हम करना है फेस का पेंटिंग, मतलब कि फेस को कलर करना है। सो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्किन कलर। तो स्किन कलर तो है नहीं, तो स्किन कलर आज हम बनाएंगे। सो यहाँ पे मेरे पास ये येल्लो रेड और वाइट, मतलब येलो थोड़ा रेड थोड़ा वाइट ज़्यादा। सो हम कलर निकाल लेते पैलेट में और फिर उसके बाद मिक्सिंग करते और फिर अपना जो कलर है वेजिटा पे लगाते और वेजिटा को बनाते, मतलब कि अभी तक तैयार नहीं हुआ है। सो उसे तैयार करते कलर विलर करने के बाद। सो एंजॉय द टाइम लैप्स, मिलते हैं आपको कलरिंग कर प्रोसेस के बाद।
ओके ऑल राइट, सो अपना फेस हेयर और आउटलाइन वाला काम मतलब कंप्लीट हो चुका, और चेक दिस आउट गाइस कितना अच्छा लग रहा है अपना अभी आर्ट वर्क। सो अभी हमें जो पेंट करना है वो है नीचे का पोर्शन, मतलब कि उसकी बॉडी और उसका जो भी ड्रेस कोड है उसे। सो पेंट करते हैं अभी इसका ड्रेस कोड वेजिटा का। तो वेजिटा का जो ड्रेस कोड है फोटो में है स्काई ब्लू कलर, बट हमने बैकग्राउंड में कर लिया, सो हम ड्रेस कोड को बनाएंगे ग्रे कलर का। और चेक दिस आउट गाइस, अपना आर्टवर्क रेडी हो चुका। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बारे में कि ये आर्टवर्क आपको कैसे लगा, मतलब कि कितना पसंद आया इसके बारे में आप कमेंट कीजिए। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बी क्रिएटिव।